हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है और उसका जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आज हम लोग यही सीखेंगे। उसके बाद बच्चों कुछ नंबर का यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट और उसका रूल हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आज। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हमको पहले प्राइम नंबर जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। पिछले क्लास में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों के विषय में जो है पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो है प्राइम नंबर जो होता है 1 से लेकर 100 के बीच में आपका 20 प्राइम नंबर टोटल होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 के बीच में देखेंगे तो आपको 15 यानी कि 15 जो है प्राइम नंबर मिलेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका केवल दो फैक्टर होता है। ठीक है, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ वह संख्या होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिसका केवल दो फैक्टर हो, ठीक है, दो फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन वो दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ वह नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम नंबर के में 2 से स्टार्टिंग होती है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की यहाँ बात होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, उसके बाद 17, 19, 23 इस तरीके से नंबर ये आगे बढ़ता है। ठीक है, ये सभी जो है प्राइम नंबर है। आप देखेंगे 2 का ओनली 2 फैक्टर होगा, 1 एंड आपका 2। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। उसी प्रकार 3 को क्या लिख सकता है 1 इंटू 3। 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5। और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, मतलब ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जिसके 2 से मोर मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर प्राइम फैक्टर हमको निकालना है तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखिए। प्राइम फैक्टर बच्चों हम जब भी निकालते हैं कंपोजिट नंबर का निकाला जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर को हम 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर के रूप में जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वीच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर जो है आपके कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे। जैसे 2, 3 ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव आप कह सकते हैं कंसेक्यूटिव एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में आप देख रहे हैं 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 क्या होगा उसको, ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर में आपका 4 से स्टार्टिंग होता है, 4 उसके बाद आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर 6, 6 के बाद 8, 9। ठीक है, और 10 कर सकते हैं यहाँ पर, 11 के बाद मुझे आता है, उसके बाद आ जाएगा आपका 13 के बाद 14, 15। इस तरीके से जो नंबर आपको दिखाई देते हैं ये आपके
कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर का ही हम जो है क्या करते हैं प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे 4 है तो 4 का आप जो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 4 को हम इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर 4 को 1 लिख सकते हैं इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके देखिए 3 फैक्टर आपको देखने को मिलेगा 1, 2 एंड 4, ये तीनों जो है नंबर क्या है ये 4 के फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दिखा कि जो है ऐसे नंबर जिसके 2 से मोर फैक्टर होते हैं वो सभी नंबर जो है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं ओनली 2 उसको हम प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ लिखा होता द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब आप जो है कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए उसका डीकम्पोजिशन करते हैं, तो उसके लिए जो आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो क्रिया करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया है, मान लीजिए 30 ये आपका कंपोजिट नंबर है, इसका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से। देखिए डिविजन मेथड अभी आपको मेथड बताएगा, जैसे 2 यहाँ 15 आ जाएगा, 3 से कटेगा 5 आएगा, और 5 से कटेगा यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, तो ये आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्या हो गए प्राइम फैक्टर, और इसका जो प्रोसेस है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इस तरीके से करते हैं उसको। आइए हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ ए नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बच्चों ए कंपोजिट नंबर कैन बी डीकम्पोज इनटू प्राइम फैक्टर बाय फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए दो आपको मेथड यहाँ पर बताया गया है, 2 मेथड, कौन कौन, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा किस तरीके से हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड है आपका, जैसे किसी भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 16, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 60 का हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम बच्चों फैक्टर ट्री मेथड जो पहला मेथड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का यूज करके इसका जो है हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे 60 यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से 60 लिखेंगे, ठीक है। अभी को आप 2 पार्ट में इसको इस तरीके से राइट करेंगे। देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2,
अभी आपको डिजिबिलिटी का टेस्ट अभी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर जो है किस प्राइम नंबर को जो है डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर वन के प्लेस पर जीरो है, इसका मतलब ये नंबर जो है इवन नंबर है और यह टू से डिविजिबल होगा। तो इसको हम टू से डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है प्राइम नंबर डिविजिबल करने के लिए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा या थ्री। ठीक है बेटा, ये दो पार्ट में होंगे, आप देख पा रहे हैं टू इंटू थर्टी करते हैं तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन। अब हम देखेंगे टू तो आपका प्राइम नंबर है, ये प्राइम फैक्टर निकल कर आ गया है। अब हम दूसरा प्राइम फैक्टर एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ टू भी दो पार्ट में आप करेंगे, टू से डिविजिबल है, थर्टी भी हमारा क्या है टू से डिविजिबल है, तो टू से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा फोर्टीन। अब आप देखिए टू अगला आपको प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, अब हम फिफ्टीन को नेक्स्ट पार्ट को इसको क्या करेंगे, इसको भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखिए टू से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे प्राइम नंबर में थ्री आता है, इसको चेक करेंगे बच्चों, थ्री से डिविजिबिलिटी का टेस्ट भी आपको बताया जाएगा कि यदि उसके डिजिट को हम ऐड करते हैं और उसका सम फाइंड करते हैं, जो सम आता है वो यदि थ्री से डिविजिबल है तो यह नंबर भी आपका थ्री से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए वन प्लस फाइव करेंगे, ये डिजिट को ऐड करेंगे बेटा तो इसका सम निकल कर आ रहा है सिक्स, जो कि आपका थ्री से डिविजिबल है, क्या होगा थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थ्री और थ्री से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा फाइव। अब आप देख रहे हैं बेटा ये लास्ट में दोनों, ये दोनों पार्ट क्या है प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर आपका है, थ्री भी प्राइम नंबर है, तो अब एक थ्री से भी डिवाइड होने वाले नहीं है, उसके पार्ट नहीं होंगे, तो आपको उसका जो प्राइम फैक्टर है ये मिल चुका है। आप यहाँ से स्टार्ट करके देखिए, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है और आपका ये नंबर है, यहाँ तक जो नंबर आपको दिख रहा है ये सभी यहाँ से स्टार्ट किए टू टू थ्री एंड फाइव, ये सभी नंबर क्या है इसके प्राइम फैक्टर है। तो हम इसके लिए प्राइम फैक्टर का प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्सटी इक्वल टू क्या क्या आ गया बेटा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, यहाँ क्या लिखेंगे टू इंटू थ्री इंटू फाइव। ठीक है, अभी हम आर फैक्टर जब फाइंड करते थे बच्चों तो उसमें आप कामा का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आप जो है प्लाई ये जो सिंबल है इसका यूज करेंगे और सभी प्राइम फैक्टर जो आपके आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई के रूप में आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो टू इंटू टू फोर होता है और फोर थ्री जा कितना होता है ट्वेल्व और ट्वेल्व फाइव जा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा उसको सिक्सटी आ जाएगा। मतलब ये जो प्राइम फैक्टर है इसका मल्टीप्लाई करने पर इस गिवन नंबर के इक्वल आना चाहिए जिसका आप फैक्टर फाइंड किए। तो ये था जो हमारा फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टर फाइंड करने का। ठीक है, फैक्टर थ्री मेथड, आइए सेकंड मेथड देखते हैं उसको डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड आपका है तो डिविजन मेथड, यहाँ पर ये लिख रहे हैं डिविजन सेकेंड में आप कहेंगे उसको डिविजन मेथड, जैसे कोई नंबर यहाँ पर हम लेते हैं मान लीजिए प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है कितने का, ये
यहाँ के नंबर लिखते हम मान लीजिए आपका 200 टाइम पॉइंट दूसरा एग्जाम्पल तो फाइंड द प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 200 ये आपका नंबर है जिसका आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सेकंड डिवीजन मेथड यहाँ पर लेकिन ये नंबर आप यहाँ पर राइट करेंगे 16, इसका प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पर राइट करना है। इसके लिए बच्चों इस तरीके से आप इस नंबर को डिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों ये नंबर किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे 1 6 है, तो ये 6 से 2 से जो है क्या है डिविजिबल है, इवन नंबर है देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 0 0 या 16। अब देखिए ये जो नेक्स्ट नंबर आया 14, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, ये वन के प्लेस पर क्या है 8 है। अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 करके हो गया 8। अब देखिए आगे आपका 54 भी ईमेल नंबर है, इसलिए यह अभी क्या होगा आपको 2 से डिविजिबल होगा, 2 से इसको कट करेंगे 2 2 4 2 4 14। अब 27 आ गया है, 27 आपका 8 नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आइए चेक करते हैं तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 + 7 करेंगे क्या जाएगा 9, तो 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 27 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसको कट करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 जो है 3 से 6 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से 9 और 3 जो है इससे डिविजिबल है 3 से, इसलिए यहाँ पर 3 बन जा 3, ठीक है। तो उस नंबर इस नंबर जो जीवन नंबर होगा दिया गया नंबर उसको हम तब तक घर प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपका लास्ट में कोशिश जो है वन नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पर लास्ट वन आया है हमारा, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करते जाना है और आप तो इसका प्राइम फैक्टर जो है मिलता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो इसी को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 × 2 × 2 3 टाइम और 3 टाइम का साथ 3 भी है 3 × 3 × 2 3। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस चीज को लाना चाहिए करके आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर फाइंड किया गया है। आइए बच्चों हम लोग ऐसे प्योर सेल्फ देखते हैं। ऐसे प्योर सेल्फ में आपका ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में लिखा है 5 प्राइम फैक्टर यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड
कोई एक आपका यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम ये नंबर दे देते हैं 6 83, क्वेश्चन नंबर 6 का ए 84, ठीक है। अब इसका थ्री मैथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 84 इस तरीके से साइन में आके दिखाएंगे कि 2 से डिविजिबल है, 2 इनटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 और यहां पर 2। अब देखिए ये किस से आपका 2 से डिविजिबल है, 2 और यहां पर 1। अब देखिए ये जो है आपका 3 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा, तो यहां पे आएंगे 3 लिखेंगे, यहां पे आएंगे 2। 21 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, तो 3 से क्या 21। अब देखिए लास्ट में जो दोनों नंबर आए हैं, दोनों पार्ट हैं, ठीक है, 21 जो फैक्टर दोनों एक या दो है, दोनों जो है प्राइम नंबर है, इसलिए आप इसको आगे डिवाइड कर दिया जा सकता है। अब इसका फैक्टर आप नहीं खाएंगे, यहाँ भी स्टार्ट करेंगे आपको प्राइम फैक्टर है इस तरीके से, ठीक है। क्या क्या मिला है ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है, ये आपका थ्री मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया और उसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया गया। 2 × 2 × 2 = 4 और 4 × 3 क्या कितना होता है 12 और 12 × 7 आप देखेंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है, 12 × 7 = 84। इस तरीके से आप जो है थ्री मेथड के द्वारा क्वेश्चन नंबर ए में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गिवन नंबर का और उसके प्राइम फैक्टर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसको देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर नीचे मेथड आ गया है, क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड प्राइम फैक्टर यूजिंग डिवीजन यूज करते हुए आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन आप देते हैं बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर पकड़ लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 225 पहले आप लिखेंगे डिवीजन मेथड में 225, उसके बाद आप लिखते हैं इस नंबर से डिविजिबल है 2 + देखिए 1 के प्लेस पर आपका 5 है, ये आपका 8 नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इसके हम डिजिट को ऐड कर दें, 2 + 2 = 4, 4 + 5 आपका 9 आ जाएगा, 9 3 से डिविजिबल है, तीसरा नंबर भी क्या होगा बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 आपका आंसर कराएगा 15, ठीक है। अभी देखिए 75 आया, 7 + 5 करेंगे ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है, 7 आता है जो कि 3 से नॉट डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5, इसको 5 से लिखते हैं, 5 आपका क्या आता है 25 और 5 से डिवाइड करेगा और यहाँ के लिए 1, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, अभी आपको बताया जाएगा कि 1 के प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो जो है 5 से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ 1 के प्लेस पर 5 है, इसलिए हमने इसको क्या किया 5 से डिवाइड किया और लास्ट में यहाँ क्या आया आपका 5 को देखा, जो कि 5 से डिविजिबल है आप देख पा रहे हैं, इसलिए
आपका सबसे वन आ गया। अभी हमने बताया था कि किसी भी नंबर का डिजिटल पैटर्न के द्वारा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आता है वो वन आना चाहिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को आपको केवल प्राइम नंबर से ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डिवाइड करना है, और कंपोजिट नंबर इसमें नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान देना है, ठीक है। सभी प्राइम नंबर आप देख पा रहे हैं 3 और 5, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि 2 times आपका 3 है और 2 times 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेकेंड मेथड जो आपको बताया गया डिविजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का करेंगे और उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसी प्योर स्टेप से देखेंगे आप, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर देखेंगे आप 41, पेज नंबर 41 पर ऐसे प्योर स्टेप आप देखेंगे। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल या टेस्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।